दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री से एक भारी दुखद खबर सामने आ रही है कि जाने माने और मशहूर बॉलीवुड एक्टर मंगल सिंह ढिल्लो का रविवार को लुधियाना में निधन हो गया। मंगल सिंह ढिल्लो लंबे समय से बीमार थे। 1 महीने से उनका लुधियाना के अस्पताल में कैंसर का इलाज चल रहा था। इसके बावजूद एक्टर की हालत बिगड़ती चली गई और 11 जून 2023 को उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, आज की स्टार्स लाइफ स्टोरी की इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगल सिंह ढिल्लो के लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में। अगर आप मंगल सिंह के फैन हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इनका रियल नेम मंगल सिंह ढिल्लो था। प्रोफेशन से यह एक एक्टर, राइटर, फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक पोएट थे। इनका जन्म 18 जून 1974 को फरीदकोट, गांव वांडार, जटाना, डिस्ट्रिक्ट पंजाब, इंडिया में हुआ था और इनकी डेथ 11 जून 2023 को लुधियाना, पंजाब में कैंसर के कारण हुई है। अपनी डेथ के समय ये 48 इयर्स के थे। बात करें अगर इनके फिजिकल स्टेटस के बारे में तो इनकी हाइट 5 फीट 11 इंच थी। इनके हेयर्स का कलर ब्लैक था और इनकी आईज का कलर ब्राउन था। इनका रिलीजन सिख था और इनकी नेशनैलिटी इंडियन थी। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनकी एजुकेशन के बारे में। दोस्तों, फरीदकोट के सरकारी स्कूल से इन्होंने 4th क्लास तक पढ़ाई की। इसके बाद ये उत्तर प्रदेश चले गए जहाँ इन्होंने जिला परिषद स्कूल से आगे की पढ़ाई की और फिर वापस पंजाब लौट आए। इन्होंने मुक्तसर के सरकारी कॉलेज से ग्रेजुएशन की। बात करें अगर इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में तो इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज मुक्तसर से थिएटर आर्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी। साथ ही भारतीय रंगमंच विभाग पंजाब विश्वविद्यालय पंजाब में कार्य प्रणाली में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया था। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनकी फैमिली के बारे में। दोस्तों, इनके फादर का नाम सुरेंद्र पाल सिंह था जो कि एक फार्मर थे और इनकी माता जी का नाम बलजीत कौर था। इनकी दो सिस्टर्स है जिनका नाम किरण ढिल्लन और इहाना ढिल्लन है। बात करें अगर इनके मैरिटल स्टेटस के बारे में तो ये मैरिड थे। इनकी वाइफ का नाम रितु ढिल्लन है जो कि एक पेंटर है जिससे इन्होंने 26 अप्रैल 1994 को शादी की थी। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनके कैरियर के बारे में। दोस्तों, इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत छोटे पर्दे से की थी। इनका फर्स्ट टीवी डेब्यू कथा सागर नाम के टीवी सीरियल से हुआ था जो कि डीडी नेशनल पर प्रसारित किया गया था और साल 1986 में आया था। इन्होंने अपने कैरियर के दौरान किस्मत, द ग्रेट मराठा, मुजरिम हाजिर, रिश्ता मौलाना आजाद, नूरजहां जैसे धारावाहिकों में काम किया, मगर इन्हें सबसे ज्यादा पहचान मिली 100 बुनियाद से। इस प्रकार से भारतीय टेलीविजन के क्षेत्र में काम करने के बाद इन्होंने फिल्मों की ओर भी अपना रुख किया। इनकी फर्स्ट डेब्यू मूवी का नाम है खून भरी मांग जो कि साल 1988 में आई थी जिसमें उन्होंने एक एडवोकेट का रोल निभाया था। फिल्म इंडस्ट्री में अपने कैरियर के दौरान इन्होंने रेखा से लेकर डिम्पल कपाड़िया जैसी दिग्गज हीरोइनों के साथ काम किया और अपने कैरियर के दौरान इन्होंने खून भरी मांग, विश्वात्मा, दयावान, प्यार का देवता, दलाल जैसी हिट फिल्मों में काम किया। मंगल ढिल्लो ने अपने कैरियर के दौरान पॉजिटिव से लेकर निगेटिव तरह के सभी किरदारों को निभाया। इसके साथ ही पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में भी खूब नाम कमाया। हिंदी फिल्मों में काम करने के बाद इन्होंने एमडी एंड कंपनी नाम की एक कंपनी खोली जिसके बैनर के यहाँ पंजाबी फिल्में बनती थी। इनकी लास्ट मूवी का नाम है तूफान सिंह जो कि साल 2017 में आई थी जो कि एक पंजाबी मूवी थी जिसमें इन्होंने लखा का किरदार निभाया था। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनकी नेटवर्क के बारे में। दोस्तों, अगर इनकी नेटवर्क की बात की जाए तो इनकी टोटल नेटवर्क $5 मिलियन बताई जाती है जो कि इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने पर करीब 40 करोड़ रुपए होती है। तो दोस्तों, ये थी मंगल सिंह ढिल्लो की लाइफस्टाइल और बायोग्राफी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।